हमने तीन किस्म के मेनिस्कस पढ़े। हमने कहा जी एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है और फ्लैट सरफेस है, एक ये केस है जैसे सिल्वर और मैंने बताया कि प्योर वाटर है, दूसरा केस है अगर मेनिस्कस वाटर के साथ बनता है, या तीसरा मरकरी के साथ, ऐसा हमने पढ़ा। अब पॉइंट ये है इसमें कि अगर आपके पास तीन लेवल हैं तो मैंने एक्सप्लेनेशन पूछी कि भाई कैसे, तो आपने कहा तो आपने बताया कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, कोहेसिव कम होती है तो लेवल ऐसा हो जाता है, और अगर मरकरी मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो लेवल ऐसा हो जाता है। मैंने अपना कॉन्सेप्ट फोर्सेस से समझाया, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर प्रेशर में कन्वर्ट करूं तो इसका एक शॉर्टकट है प्रेशर का, वो समझना है। शॉर्टकट ये है कि ये सारा कॉन्सेप्ट प्रेशर से भी समझा जा सकता है। इसके लिए इमेजिन करो कि आपके पास पहले एक फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, तो यहां पर कौन सा प्रेशर है, पी एटमोस्फेरिक है, और यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर पी एटमोस्फेरिक है, मतलब इस मतलब ये एच तो है ही नहीं ना, इमीडिएटली नीचे लेवल है, तो इस लेवल के ऊपर कोई मर्जी पॉइंट ले लो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, अपने प्रेशर के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और इमीडिएटली नीचे लोगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मेनिस्कस फ्लैट है। तो आप उल्टा रिजल्ट याद करेंगे, अगर मेनिस्कस फ्लैट है तो इस फ्लैट सरफेस के इमीडिएटली ऊपर और नीचे प्रेशर का पॉइंट बिल्कुल सेम होता है, ना कोई बड़ा प्रेशर ना कोई छोटा प्रेशर, बात होगी खत्म। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसकी, इसमें आप प्रेशर की टर्म में ये बोलेंगे देयर इज अ प्रेशर का डिफरेंस। आप देखें यहां का प्रेशर पी एटमोस्फेयर है, और यहां का प्रेशर मैंने क्या लिखा, पी एटमोस्फेरिक -2T/R, और उसी तरीके से यहां पे लिया आप, मैंने मेनिस्कस जब यहां लिया तो पी एटमोस्फेरिक, और यहां पर पी एटमोस्फेरिक +2T/R। बहुत तरीके हैं समझने के। पहला तरीका, कोई कहता है जी ये 2T/R कहां से आ रहा है, हमने किया जब एक स्फेयर वो ड्रॉप लिया था हमने कि एक फ्री सरफेस है, और वैसे यहां पर एक ही फ्री सरफेस है वाटर और ये लिक्विड और एयर की, एक फ्री, तो यहां पर 4T/R तो यूज होगा भी नहीं, यहां पर 2T/R यूज होगा। आप बस ये इमेजिन कर लें कि मान लो ये एक ड्रॉप है, इमेजिन करें ये पूरा का पूरा ड्रॉप है, इमेजिन करिए रहा, तो अगर ये ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा, तो मैंने ज्यादा ही तो बनाया है। चलो फिर देखते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं स्फेयर में, तो इस स्फेयर के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर का, तो देखा बाहर का कम है अंदर का ज्यादा है, और रिजल्ट वही है कि कंकेव का प्रेशर कन्वेक्स से ज्यादा है, एक रिजल्ट करवाया था बाय अमाउंट ऑफ 2T/R, उस रिजल्ट को यहां लगा दिया कि कंकेव का प्रेशर कन्वेक्स से ज्यादा होगा बाय 2T/R। क्या पॉइंट क्लियर है, ये 2T/R का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, मतलब आप इमेजिनरी अगर स्फेयर बना लेते हैं, जैसे ये बबल बन गया, या जैसे मान लो ये क्या बन गया, ये आपका एक ड्रॉप बन गया, तो कॉन्सेप्ट वही है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है भाई 2T/R, करके देख लो आप, इस पूरी टर्म की जगह पी इनसाइड लिख लो ना, पी इनसाइड लिख के देख लो, पी इनसाइड माइनस बाहर का प्रेशर इज 2T/R, तो इनसाइड का प्रेशर क्या आएगा, पी एटमोस्फेरिक +2T/R, तो एक वही रिजल्ट है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने ड्रॉप्स और बबल से समझाया। अगर ये नहीं मतलब दिमाग में आता यार बड़ा टेंशन है, कनकेव लिखो कन्वेक्स लिखो, मतलब मैं भूल जाता हूँ यार कौन सी कनकेव कौन के, मैं समझ में नहीं आता, बेकार है रिजल्ट ये, और मैं भूल जाता हूँ कहाँ माइनस प्लस है, तो फिर ऐसे कर लो शॉर्टकट, ये सरफेस देख रहे हो लिक्विड का सरफेस है, ये इसलिए फ्लैट है क्योंकि इसके ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर सेम है, खत्म केस। ठीक, अब ये केस लें, ये रहा, ध्यान से देखना इधर, ये फ्लैट है ठीक, यहां का प्रेशर ज्यादा है, देखो मेनिस्कस कैसा हो गया, ये हो गया मेनिस्कस, यहां का प्रेशर ज्यादा है और यहां का प्रेशर कमजोर था, तो यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां से यहां तो एटमोस्फेरिक है, तो यहां का प्रेशर एटमोस्फेरिक से ज्यादा है, कितना 2T/R, बताइए यार शेप ऐसे चेंज हुई, यहां का प्रेशर ज्यादा तभी शेप चेंज हुई। अब फिर से देख ले बीच वाला केस, तो बीच वाले केस में ऑब्वियसली यहां का प्रेशर ज्यादा रहा होगा एटमोस्फेयर का, तभी इसने मेनिस्कस को ऐसे कर दिया, तो याद करने का तरीका है, वैसे कंकेव कन्वेक्स वाला रिजल्ट बताया मैंने, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है यहां पे कम है, तो अगर यहां पी एटमोस्फेरिक है तो यहां पर पी एटमोस्फेरिक -2T/R है। तुम इसे लिख लिख के याद करो, तुम समझ के याद करो, तुम ड्रॉप और बबल की तरह सोच के याद करो, बस जब मैं पूछूं कि कहां का क्या प्रेशर है बस आंसर सही बोल देना, ठीक, तुमसे इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा तुमने रिजल्ट कहां से किया, बट मैं बता रहा हूं आपको, वैसे ड्रॉप और बबल से ही समझ में आता है, ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ड्रॉप और बबल से आती है।
पर याद रहेगा ये पॉइंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें कैपिटल आर रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है। हमने ये रिजल्ट ड्रॉप और बबल से लिए हैं, उसमें ट्यूब यूज नहीं होती थी, इसमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। अब रेडियस ऑफ मेनिस्कस की अगर आप बात करते हैं तो देखो रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैसा होगा, ये देखो इमेजिन करो कि आप इस मेनिस्कस का इमेजिनरी एक स्फीयर बना लेते हो, इमेजिनरी स्फीयर है, और इमेजिन करो इसका सेंटर यहां पर है, तो ये है रेडियस आर, ये इमेजिनरी रेडियस आर है मेनिस्कस का कैपिटल आर, और ट्यूब का रेडियस क्या है स्मॉल आर, वो मैं ले नहीं रहा, पर अदरवाइज अगर लेना हो तो मैं ऐसा ले सकता हूं, ये ट्यूब का रेडियस स्मॉल है, पर मैं यहां स्मॉल आर को यूज ही नहीं करना चाह रहा क्योंकि यहां पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो ट्यूब के रेडियस पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इसलिए आर कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस है। तो अगर आप यहां पर ड्रॉ करते हैं तो इमेजिन करें ये ऐसे बनेगा और इसका सेंटर ये बनेगा, तो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो कोई मुझे ये बताए इसका रेडियस क्या है, इस मेनिस्कस का रेडियस क्या है फर्स्ट केस में, आंसर वैल्यू कितनी है ना, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द ट्यूब ओके, इंफिनिटी की जीरो, इंफिनिटी की जीरो, ये फ्लैट है, इंफिनिटी इसका बना बना के दिखाओगे स्फीयर, पॉइंट है वो कह रहे जी आर पक्का इंफिनिटी है, आर इंफिनिटी भी लेने पे, क्योंकि ये इंफिनिटी का मतलब जीरो हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे एटमोस्फेरिक प्रेशर सेम हो जाए, लॉजिक तो सही बोला इसने। प्रैक्टिकली अगर तुम इसको इसका स्फीयर बनाओ, ऑब्वियसली इनफाइनाइट स्फीयर, बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट होता है, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा टेंथ में, आर इज इंफिनिटी, रेडियस इंफिनिटी, फोकल लेंथ इंफिनिटी, तो बेसिकली वो कुछ नहीं है, प्लेन ग्लास के लिए रेडियस हमेशा इन्फिनिटी होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस जीरो कभी नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज स्फीयर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस बहुत बड़ा होना, कई लोग तो रेडियस नहीं है इसका, रेडियस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं दिखा भी नहीं पा रहा उन, और जितना बेंड करेगा, अच्छा बताओ इसका रेडियस, ये लो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, ये पहला डायग्राम है, ये पहला डायग्राम है, दूसरा ये दूसरा डायग्राम है, इस डायग्राम या इस फर्स्ट में कि सेकंड में रेडियस बड़ा है कि छोटा है, सेकंड में ज़्यादा है और फर्स्ट में, अच्छा डायग्राम बनाए, लो फर्स्ट का स्फीयर ही खत्म हो गया, सेकंड का स्फीयर थोड़ा सा क्योंकि बाहर की तरफ इमेजिनरी बनना है तो बड़ा बनेगा, जितना फ्लैट की तरफ जाएगा रेडियस बड़ा है और जितना नीचे की तरफ जाएगा रेडियस उतना छोटा है कर्वेचर का, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। तो रिजल्ट को आपने याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आती है और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है कि मेनिस्कस देख के कैसे पता करना है रेडियस बड़ा है या छोटा है, ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा पक्का आपके स्कूल में।